चलो भैया, डोसा और समोसा और नींबू पानी। नमस्ते नमस्ते, हु इज प्रिपेयरिंग डोसा? धन्यवाद एवरीबॉडी, गुड जॉब, थैंक यू। डोसा बहुत अच्छा, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ये इटालियन एम्बेसडर है, वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मज़े का है सब कुछ इंडिया के अंदर, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। आपके सामने देख रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं कि कैसे बेहतरीन है। इंडियन रेस्टोरेंट क्यों लिखा है? कहा बेटा हमारी बदकिस्मती है, अगर हम कहीं पे पाकिस्तान का नाम ले तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कहा इंडियन नाम लिखकर हमें इज्जत मिलती है और हमारा बिजनेस अच्छे से चलता है। मुस्लिम मुमालिक में भी नहीं है? मुस्लिम मुमालिक में तो ज्यादा इन्होंने गिरा दिया है, लेकिन मुस्लिम मुमालिक में तो और ज्यादा गिर गया। अरबी तो आप हमें पसंद ही नहीं करते। ये मैं एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। कहा बेटा पाकिस्तान का नाम लेकर क्यों बेइज्जती लानी है? पिछले 50 साल की अगर महंगाई देखी जाए वो एक तरफ है, और इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो पिछले 50 सालों से ज्यादा नजर आ रही है। ये बड़ा अफसोसनाक अमर है। तो आप भी हैरान होंगे कि पाकिस्तान, अगर आप इंसानी तरक्की की बात करें तो कई जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत गरीब ममालिक हैं, उनसे भी पीछे चला गया है। और फिलहाल अफसोस की बात यह है कि सूरत हाल में कोई बहुत ज्यादा बेहतरी भी नजर नहीं आ रही। वैसे ही कहते रहते हैं मीडिया पे एक दूसरे का, अभी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मतलब दो एक एक हाथ के बजाय दो दो हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इटालियन कंटेंट क्रिएटर ग्योलियो ने हाल ही में भारत में इटली के राजदूत विसेंजो डी लुका का एक आकर्षक वीडियो साझा किया है, वीडियो जिसने तुरंत दर्शकों का दिल जीत लिया। ग्योलियो और राजदूत डी लुका के बीच एक हल्की फुल्की बातचीत को दर्शाता है जिसमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को छुआ गया है, जिसकी राजदूत अपने कार्यकाल के दौरान खूब प्रशंसा कर रहे हैं। भारत की हलचल भरी सड़कों से लेकर ऑटो रिक्शा की सवारी से लेकर डोसा के स्वादिष्ट आनंद तक, यह चर्चा राजदूत डी लुका के अनुभवों और भारत की विविध संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रकाश में लाती है। विशेष रूप से राजदूत द्वारा बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन का उल्लेख बातचीत में बॉलीवुड का स्पर्श जोड़ता है। संवाद में व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ते हुए राजदूत डी लुका ने हिंदी में नींबू पानी के प्रति अपने विशेष शौक को साझा किया। अब इटालियन राजदूत को भारत में बेखौफ और ऑटो रिक्शा की सवारी करते देख पाकिस्तान सकते में है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ सर, ये देखिएगा। दुनिया के जो जो बड़े एम्बेसडर हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश होते हैं। ये इटालियन एम्बेसडर है, वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मज़े का है सब कुछ इंडिया के अंदर, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। आपके सामने देख रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं कि कैसे बेहतरीन है। ये एक आपने शायद वीडियो देखी भी हो कि अजान हो रही है, एक काफिर जो है वो अजान का अदब कर रहा है, और एक हमारा वजीर अजम है कि वो अजान का अदब नहीं कर रहा। उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? सबसे बेहतर चीज़ तो समझने वाली है कि वो और ये कितना बेहतर फ़र्क है। अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, एक हिंदू भी जैसे आता है आके उसके ऊपर छतरी रखता है, बारिश हो रही थी, कितनी खूबसूरत बात है। मैं ना कमाल है, बहुत ज़्यादा कमाल है, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा ये आप फलस्तीन के हालात देख लें, अगर हमारी फौज सिर्फ एक धमकी लगा देना तो इसराइल की जरूरत नहीं कि वो फलस्तीन पे हमला कर जाए। पता है इंडिया के राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी कश्मीर के लिए, घर में घुस के मारेंगे, और कहा कि POK मतलब हमारा आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा कि हम वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 20 पाकिस्तानी इंडिया ने मरवा दिए, यहाँ पर मरवा दिए, अभी मरवा दिए, घुस के घर में घुस के मारा है। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जहाज भी भेज दिया वापस, ये कहते हुए कि डर लग रहा है इंडियन आर्मी आने वाली है, अभिनंदन को छोड़ दिया। ये कुछ भी नहीं कर सकते, खुदा की कसम, मैं कसम अल्लाह ताला को हाजिर नाजर, रमजान अल मुबारक का महीना है, 27 का रोज़ा गुजर गया है, कसम उठा के कहता हूँ कि अगर इमरान खान जैसा लीडर अगर मिल जाए ना तो पाकिस्तान क्या आलमी दुनिया में किसी की जरूरत नहीं होगा कि कोई काफिर मुसलमान की तरफ मैली आँख देखे। काफिर नहीं देखता, ये हमें कहा जाता है काफिर देख रहा है, भाई हम तो मुसलमान मुसलमान को काट रहे हैं, मार रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं, मुसलमान मुसलमान को काट रहा है, लेकिन
अगर ऐसा लीडर मिल जाए तो ये सब को सीधा कर लेगा, ये सब को सीधा कर लेगा। क्या लगता है सर, जिस तरह से आपने भी बोला है और हमारा माइंड बनाया गया कि काफिर हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, क्या हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए? भाई भाई, अमन, प्यार, मोहब्बत का पैगाम दे के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, बेशक इंडिया के साथ बनाने चाहिए या नहीं? इंडिया के साथ साफ ज़ाहिर है मुसलमान है, उधर बेहतर बनाने चाहिए, हमारे मुसलमान भाई हैं, बेहतर बनाने चाहिए। बस एक हिंदू की मैंने नात सुनी है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है, हिंदू पंडित नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है, यह वीडियो वायरल भी हुई है और हमने देखा है। और ये आर्मी के इंडियन आर्मी के जो हैं जवान, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे हैं। सर, उन्होंने तो पैगाम अच्छा दे दिया ना, हम क्या दे रहे हैं? हम तो हिंदू हिंदू काफर काफर करते रहते हैं। मैं ना छोटे बाजी, इस बात को मैडम रह नहीं दे तो दिल खून के आंसर होता है, दिल खून के आंसर होता है, बस इसको छोड़े, दिल खून के आंसर होता है। क्यों रोता है, किस चीज़ के लिए रोता है? इसीलिए रोता है कि जो ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं ना करप्ट टोला और जाहिल लोग, इन जाहिल लोगों की वजह से दिल खून के आंसर होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं भिखारी आया है भीख मांगने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, इतने फूड का इतना इंतज़ाम किया जाता है, उसके लिए हर चीज़ में बेहतरीन करने की कोशिश की जाती है। नहीं, अगर दुनिया की बात की जाए तो सारी बातें हिंदुस्तान का नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि वो माशियत के लिहाज से सबसे आगे है, मतलब हमसे आगे है, सबसे आगे तो नहीं कह सकते, हमसे आगे नंबर पे है, दूर भी नहीं है वो, वो दूर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने ज़ाती तौर पे पसंद करूँ ना तो मैं भी इंडिया को ही पसंद करूँगा। अगर मैं माशियत के हवाले से बात करूँ ना, मतलब उसके जॉब के हवाले से, उनकी खुशहाली, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो इंडिया में करना चाहिए। मैं इंडिया में करूँगा, पाकिस्तान की निस्बत, ठीक है। हाँ, क्या लगता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आपने ये बोला तो भाई दुनिया भी यही कहती है कि इंडिया बेहतरीन है, हर लिहाज से सेफ है, इन्वेस्टमेंट नहीं इधर उधर जाती, उसके अलावा भाई वहाँ पर फीडबैक बड़ा अच्छा मिलता है और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। उसी रिलेटेड एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इटालियन एम्बेसडर जो कि इंडिया जाते हैं लोकल रिक्शे के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई इतना मज़ा आ रहा है मुझे इंडिया के, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो ये देखो खाना खा रहे हैं, कहते हैं कि भाई मैंने इस जैसा मुल्क कहीं नहीं देखा। वो बिल गेट्स के हिसाब लगा ले, ठीक है, वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, ठीक है, वो बिल गेट्स चला गया, ठीक है, और वो फेसबुक का ओनर चला गया, इंडिया के अंदर आके कह रहे हैं वाओ, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी देखे मोदी को, कहता है आई इंस्पायर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ ना, भाई इंडिया, हम इंडिया से मुकाबला तो करते हैं लेकिन हम बातों में उनसे आगे हैं, लेकिन हर काम के लिहाज से उनसे हर पीछे हैं, ठीक है। जो हाथ है कि भाई हम पीछे रह गए, यही है, अभी जोन से अभी सियासतदान आता है अपने ही पेट पालता है, ठीक है, आवाम को उसका ख्याल ही नहीं है, आवाम की तरफ देखता भी नहीं है, तो आवाम बेचारी क्या करे, आवाम वैसे कसूर आवाम का भी है, ठीक है, कुछ आवाम जोन सी है वो नूली को सपोर्ट कर रही, अपना उन्होंने फ्यूचर नहीं देखना, बस जिद बाज में लगे हुए।